हमारे देश में पहली बार इमरजेंसी लागू की गई थी और वो देश वो डेढ़ दो साल हमारे गुजरे हैं उसमें जो आजादियां छीनी गई थी उसको 2014 के बाद लागू हो जाए आपको पता है कि पता हो सकता है ऐसा हो सकता है कि वी आर लिविंग थ्रू एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। तो 2014 की बात की कहानी अगर आप देखें तो 2014 में ही इस तरह का कानून को लेकर 5 लाख की कोशिश की गई सेंट्रल लेवल पे जिससे जो मुआवजा वगैरह जो किसान छोटे किसानों को दे सकता था वो यूपीए 2 की सरकार लाई थी वो कानून को नकारने का काम किया करने की कोशिश की गई पार्लियामेंट में। जब वो कोशिश हुई तो विपक्ष साथ में आके वहां पे नकारा उन्होंने पार्लियामेंट में मगर 5 राज्य जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है 5 states ruled by the BJP have enacted land acquisition legislation which is allowing big industries including Adani's to take over land without paying compensation, without sanction of the Gram Sabha. 300 एकड़ जमीन आपकी गढ़चिरौली में भी अडानी को दी गई। तो 2014 की दो कहानी है, 2014-15 ये कहानी है कि धीरे 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 हमारे मीडिया और पत्रकारिता के बीच में इस तरह का दबाव डाला गया कि आगाम पत्रकारिता को आज बहुत बड़ा खतरा है। कुछ दिन पहले एक IANS ने स्टोरी छापी, इंडियन IANS एक न्यूज सर्विस है, उन्होंने एक स्टोरी छापी गई हमारे बॉम्बे में रहते हुए आर्थिक एक्टिविस्ट ने खोज करके ये निकाला कि नोटबंदी के 5 दिन के अंदर 345 करोड़ रुपए अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक में शामिल हुए जहां अमित शाह डायरेक्टर आरसी है 2000 से। वो छोटी स्टोरी छापती है, इकोनॉमिक टाइम्स छापता है, इंडियन एक्सप्रेस छापता है और 4 घंटे में वो स्टोरी वहां से गायब हो जाती है। ये है 2014 की बात की कहानी, आजाद पत्रकारिता और आजाद सोच के बंद 2014 की बात की कहानी अगर आपको एहसास करनी है तो 2004 और 2014 के बीच में ऐसे 6 या 7 कानून पास किए गए जो मैं मानती हूं कि मैं सबसे पहले मानव अधिकार कार्यकर्ता हूं और पत्रकार हूं। ये कानून 20-30 साल पहले पास होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये सब ऐसे ऐसे कानून लाए गए यूपीए राम और यूपीए 2 सरकार के दरमियान जिससे हमारे और आपके अधिकार ज्यादा मजबूत किए। ये जरूर ये बात है कि 20-30 साल पहले अगर ये कानून होते तो और भी अच्छा होता, मगर 2014 के बाद हर एक ये कानून पे हमला हुआ, मनरेगा पे हुआ है, माइनिंग अधिकार पे हुआ है, लैंड एक्विजिशन पे हुआ है और जो भी अधिकार देने वाले कानून है उस पे हमला हुआ। और बार बार ये दोहरा कि एक तरह आजाद पत्रकारिता पे हमला और दूसरी तरह माफिया की राजनीति, नफरत की बोल, नफरत की सोच हर जगह हमारे समाज और हमारे सरकार में घुस चुकी है। ये नफरत की सोच एक तरह की आजादी देती है हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स को जो सरकार में बैठे हुए हैं गंदे गंदे लफ्जों में, और हमारे पास कानून है हमें इसके ऊपर लोग डाल सकते हैं मगर कानून में इतना बल नहीं है, इतना दम नहीं है कि केंद्रीय सरकार के मंत्री जो इस तरह के गंदे गंदे बोल नीच बोल रहे उसे खिलाफ कोई कदम उठाए और उनको प्रोसेस उनके जगह पे अगर आप मोदी शाह की जोड़ी को तोड़ते हैं फेसबुक पे या कुछ लिखते हैं और अगर आप अजय भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, पिछड़े भी है तो जरूर आप उन पर केस होकर जाएंगे। हमारे मोहम्मद इकलाक साहब जो विशाखा दादी गांव में रहते हुए उनकी जो बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई, उनके बेटे सरताज को मैं बार बार बोलती आज मीडिया ये सवाल नहीं कर रही है कि मोहम्मद इकलाक के हत्या के केस आज भी 3.5-4 साल के बाद अटका हुई, आज भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई, आज भी
उनकी चर्चा सरकार की चर्चा और छोटे भाई और माँ और बहन के ऊपर गलत केस भी लागू किया गया है यूपी के क्योंकि सबसे पहले मेरा पेशा पत्रकार है और पत्रकार की जानती है और जानता है कि अगर हमें आधार देना है तो छोटी छोटी मसले में खोल करके लोगों के सामने लाने का काम हमें करना है। मगर आज पूरे समाज में इन चीज की बात हो रही थी वो केस कहां तक पहुंचे आगे क्यों नहीं बढ़े सिर्फ झारखंड की दो केसेस को छोड़कर सजाए क्यों नहीं पहुंचाई और अगर झारखंड की दो केसेस में पहुंचाई तो हम वो जज फॉर्म फैलाए मगर यहां पे 50-60 केसेस में केस चल ही नहीं रहे और जो विक्टिम है जिसके ऊपर हादसा हुआ वो खानदान के ऊपर उलट के डाला गया है उसके ऊपर मीडिया अगर चर्चा नहीं करती है तो मीडिया और पत्रकारिता का आज के मामले क्या रोल है आप समझ सकते हैं। 2014 की कहानी रोहित प्रेमोला की कहा जो 2014 के बाद की कहानी नजीब और अजीब की अम्मा 2014 के बाद की कहानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ने वाले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हमारी बहुत ही विद्या ऋचा सिंह और मधुरा पूजा शुक्ला की यूपीएससी एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन ठीक ठाक से कंडक्ट नहीं हो रहा उसमें खराब कराची में कुछ भी है छात्राएं प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली प्रोटेस्ट है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट और पुलिस बात की क्या करती है लखनऊ की पुलिस एक बस चलाने दिखाने की कोशिश करके ऋचा सिंह ने बस चलाने का काम किया और चार दिन उनको जेल में काटना पड़ता पूजा शुक्ला को एक महीना जेल में काटना पड़ा और बाहर आने के बाद नौजवान मुझे कहती है कि मुझे मेरे ऊपर जो हुआ तो हुआ मगर आपको पता है कि जेल के अंदर जो हमारे दलित इनमें से जेल के उनको बिल्कुल गंदी जगह के बाथरूम के पास अगर 2014 के बाद हमें चिराग नजर आ रहा है उम्मीद का चिराग तो ये नौजवान को सुनकर आप चाहे ऋचा सिंह हो कन्हैया कुमार हो जिग्नेश शिवानी हो उमर खालिद हो शैला रशीद हो पूजा शुक्ला हो और मेरे पूरा वो दोस्त हो जो आज हम लोग के लिए हैदराबाद से यूनिवर्सिटी में बैठे हैं क्योंकि ये नौजवान जिनके ऊपर इतने तरह तरह के 60-65-70 छात्राओं एफटीआई के 200 छात्रों का देश के कुल मिलाकर के सारे 600 स्टूडेंट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस ये सरकार ने और आप हम हमारे अलग अलग झगड़ों में अलग अलग इश्यूज में फंस करके ये पूछ भी नहीं सकते हैं कि ये केसेस हो क्या डॉक्टर अली खान के साथ जो हुआ हो तो हम यहाँ पे ये मनसे को सलाम भी करना चाहते हैं और ये भी ऐसा बनाना चाहते हैं कि आपके संघर्ष में सब आपके साथ इतना पार्टी का काम करना और उसके बाद इस तरह की सरकार की तरफ से एक डॉक्टर चाहे वो डॉक्टर काफी खासा हो या डॉक्टर सतीश कुमार जो उनके साथ ही दोनों ने उसी तरह जेल में बंद किया दोनों ने उस रात में इस तरह का काम किया जान बचाने का और मीडिया के ऊपर मैं बस हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि गोरखपुर में आज बच्चों का क्या हाल है वो जरा छवि हमें दिखाते हैं मुझे डॉक्टर कपिल खान ने अपने परसों बताया कि वहां एक मनोज सिन्हा नाम का पत्रकार आज भी वो सही बात निकाल रहा है कि 2018 में अभी 4 महीने में 900 बच्चों की मौत 900 बच्चों की मौत और ये कोई भी नेशनल चैनल इसको खबर नहीं दे रहा है कोई भी अखबार में इसको खबर नहीं दे रहा है ये किस तरह का भारत हिंदुस्तान हमें बन रहा है जहां पे जानों की परवाह नहीं है मगर नफरत और दुश्मन होते दुश्मन की बहुत ज्यादा परवाह हर दिन हमें टेलीविजन चैनल एक ऐसी लड़ाना कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारी मानसिक लड़ाई जा रही है हमारे पड़ोसी से हमारी मानसिक और शारीरिक लड़ाई जा रही है अपनी सांस लेते मुझे लगता है अगर आज जो
2014 की बात की कहानी, अगर हम 2019 की लड़ाई के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो ये सब चीजों को नजर रखते हुए हमें ये सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा कि राजनीतिक विपक्ष को भी लोगों को साथ लेकर ये नफरत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि नफरत का अगर हम सामना नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि घर के अंदर ही ये नफरत चली गई और घर घर के अंदर इस तरह के बहस हो रहे हैं। हमारे पत्रकार दोस्त मुझे कहते हैं, मेरे पत्रकार दोस्त मुझे कहते हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में बैठे हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस में बैठे हैं, जो चैनल में बैठे हैं, वो कहते हैं कि तीसरा न्यूज रूम है बिकम टॉक्सिक। आप समझ रहे हैं, न्यूज रूम में जगह है जहां पे 10 बजे सुबह से लेकर 11 बजे सुबह एक एडिटोरियल मीटिंग होती है जहां पर डिस्कशन किया जाता है। हम भी 25 साल कर रहे हैं तीसरा कि आज की खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट है, इस पे कौन कौन सा रिपोर्टर किस पे काम। और अगर अंदर अभी अभी हमारे दोस्त बैठे होंगे, अगर आज यह है कि जब न्यूज रूम में जितना टॉक्सिक, इसका मतलब है वो जगह जहां पे बिना कोई नफरत, बिना कोई चश्मा, बिना कोई गलत नजर हमें उसे खबर ढूंढना है, हमें निष्पक्ष रहना है। और स्टेट का मतलब है फ्रेंच रेवोल्यूशन के जमाने से ये निकला है, फोर्थ स्टेट का सिर्फ एक ही किताब है, एक ही मंशा है, वो है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जिम्मेदारी के सवाल है, सबूत के साथ, चाहे कोई रंग की हो सके। और अगर पत्रकार का वो मंशा हो जाती वो अपना मिशन हो जाती, और अगर एक किसी का फोन कीड़ा के मारे या कोई करोड़ों के पैसे के लालच से मारे अगर पत्रकारिता अपना पेशा हो जाता है, तो आपको ये सब मिलेगा जो आपको मिल चुका है। डॉक्टर कफी खान साहब ने बताया कि एनसेफेलाइटिस एक बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। आप अगर याद रखेंगे 2010-11-12 की टेलीविजन कवरेज, तो बार बार चैनलों पर खबर आती थी कि उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे एनसेफेलाइटिस से शिकार है। मगर ऐसा लगता है कि 2015-16-17 के बाद वो बीमारी अभी उत्तर प्रदेश में बनी है। वो कैसे हो सकता है? हमें बार बार कहानी हमारे टेलीविजन चैनल दिखाते थे कि भूखमरी, जो देश में भूखमरी है, जहां पे लोग भूख से मर सकते हैं, जहां पे बच्चे ज्यादा भूखे होते जा रहे हैं, बच्चों की इम्यूनिटी खराब होते जा रहे, क्योंकि पंडा प्रोटीन में खा पा रहा है। क्योंकि अगर हम हमारे डेली डाइट में हमारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पूरा प्रपोर्शन बराबर नहीं रहता है, तो मैं बीमारी की ज्यादा शिकार बन सकती हूँ। ये तो एस्टैब्लिश मेडिकल प्रिंसिपल है। ये हालात में अगर हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में भरा अनाज पड़ा है और वो सरकार उसको लेकर कुछ नहीं करे सकता अनाज, तो 2004-14 के बीच में हमने खूब टेलीविजन प्रोग्राम देखे, मगर 2014 के वक्त लगता है कि भूख मरी चाहिए। तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है और कौन आवाज उठा रहा है, ये सब बहुत तीखे सवाल है। मैं मानती हूं कि सारे देश में 5 या 10 हजार लोग हैं, 5 पत्रकार के कार्यकर्ता है, पत्रकार है, लाइक माइंडेड लोग है, जो इतने ये सब इश्यूज को लड़ते हैं, और ये 5 या 10 या 15 हजार लोग ये सब बैटल को फाइट करने के लिए कम पड़े। जब तक हम लोग कुछ ना कुछ संगठित होकर, और मैं मानती हूँ कि राजनीतिक विपक्ष पर हमें दबाव आ रहा है कि ये इश्यूज को आप बात कीजिए, और अगर हमको बड़े लोगों के साथ तो हम भी चाहते हैं इसके साथ, हम भी चाहते हैं कि ये ऐसी सरकार केंद्र से और राज्य से जाए, मगर हमें दबाव नहीं चाहिए कि आने के बाद जो गंदगी आ गई है उसकी सफाई होनी चाहिए और मानव अधिकार और मूल अधिकार को ज्यादा गहरा बनाने के लिए जो काम बताने का काम मजबूत करें, कमजोर करने का काम सरकार ने किया है, वो आप रिटर्न करेंगे और ये बात आगे चलता है। मुझे लगता है कि ऊना के 2016 में जो हुआ, तो जैसे बाकी संघर्ष के बाद हमारे नौजवान साथी उभर के आए, हमारे वहां भी एक नौजवान साथी जिग्नेश निवारी उभर के आए, और ऐसे नौजवान को देखकर जो बिल्कुल सफाई के साथ था, शायद सत्य और इलेक्शन जीत भी सकते हैं,
और वहां पे कांग्रेस जैसे पार्टी बड़ी बड़े दिखा करके अपना कॉन्टेस्टेशन दी और पूरे सपोर्ट में उनको मिला से कांग्रेस के मगर ये पार्टी सीपीएसी सब नहीं हो सकता। अगर हमारे स्टेट और पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमारी बड़ी बड़ी पार्टी इस तरह का समझदारी दिखाए कि निष्पक्ष लोग जो ये देश के लिए अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको पार्टी में बिठाने का काम और असेंबली का काम करें, जैसे आचार्य कृपना ने को बिठाया था नेहरू जी ने, तो मैं मानती हूँ कि पॉलिटिक्स में भी सुधार आ सकता है। ये चंद सवाल यही कहकर कि जरूरी है कि हम रोजगार के ऊपर, भुखमरी के ऊपर, किसान, कामगार, मध्यम वर्ग, स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान के बारे में बात करके ये डाइवर्जेंट एजेंडा के मतलब का एजेंडा, हिंदू मुसलमान का एजेंडा की तरफ से नजर हम हटा, ये जरूरी है। मगर कि बिना लिखकर मतलब के सामना करके आप नजरअंदाज कर सके, आप एजेंडा बदल सकेंगे, तो मैं ये मानती हूँ आपको भी नफरत का सामना करना पड़ेगा। गली गली और मोहल्ले में आपको मोहल्ला कमेटी बनानी पड़ेगी, एक दूसरे के संपर्क के अलग अलग पर्याय बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जहर जब फैलता है तो किसी को भी नुकसान। और ये जो उन्होंने चार साल किया है तो ये पुरानी कहानी है, 1925 में संस्था होता नहीं है संगठन, ये रातों रात उन्होंने किया, धीरे 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 किया। और वो तब होते हैं जब सरकारें दूसरी थी, और वो तब होते हैं जब दूसरी सरकारों ने उनके 40-45 हजार स्कूलों में जिस गंदगी का बदलाव की है उसको नहीं रोका। मेरे पास आरएसएस स्कूलों की किताबें हैं, बीएससी की एकल विद्यालय की किताबें, गुजरात राज्य में 1989 से लेकर 1999 तक जो किताबें पढ़ी गई पढ़ाई गई, जिसमें लिखा जाता था, वो हमारे काम की वजह से थोड़ा बहुत हटाया गया, उसमें लिखा जाता था कि मुसलमान क्रिश्चियन और पारसी लोग जो है वो खड़े जा रहे हैं, ये देश है ही नहीं। गुजरात राज्य उसमें यह लिखा जाता था कि हिटलर ने जो किया जर्मनी में वो तो आर्थिक रूप से बहुत अच्छा, और यहूदी लोगों का जो जनसभा हुआ 6 मिलियन यहूदी के साथ जो हुआ उसकी कोई चर्चा नहीं। जातिवाद और जाति व्यवस्था तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग लोग जब बढ़ जाते हैं तो प्रोफेशन आता है। ये गुजरात स्टेट की किताब थी और 1999 में हम लोगों के साथ में मिलकर इसको पॉइंट आउट किया था, एनडीए की सरकार थी, मगर तब एक कमेटी बनी, उन्होंने सही किया कि हमने जो कहा था वो सही है या गलत, सही लिखना, उसके बाद लगातार से बात ठीक करके वो किताबें आज पढ़ती है। मगर जैसे उनकी सरकार आई 2014 जैसे उनकी सरकार आई 2014 और गुजरात में जैसे तब भी उनकी सरकार थी और आज की है, तो दीनानाथ बात्रा जिसकी शिक्षा बचाओ आंदोलन है, राजनीतिक इलेक्शन और राजनीतिक बदलाव से यह नफरत जाने वाली नहीं है। राजनीतिक बदलाव बहुत जरूरी है, मगर सांस्कृतिक और शैक्षणिक बदलाव बहुत जरूरी, और दीनानाथ का शिक्षा बचाओ आंदोलन एक संस्था है जो आज भारत सरकार का वाइस चल रही, मगर सबसे पहले उन्होंने गुजरात में 9-5 किताब निकाली। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा खतरा आने वाले जनरेशन को। मैं तो सलाम जिग्नेश नेवानी और ऐसे गुजरात के बच्चों को इसलिए करती हूँ कि वो गंदगी पढ़ने के बावजूद उनके जहन के साथ, मगर आज गुजरात में 9 लाख बच्चे और हरियाणा के 4 लाख बच्चे दीनानाथ बात्रा की किताब, तो हमें अलग अलग क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, शिक्षा की तालीम को लेकर, पत्रकारिता को लेकर, मोहल्ले में मानवाधिकार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। मैंने ज्यादा कानून व्यवस्था के ऊपर बात नहीं की, हमारे भाई किरण टाकी उसके बारे में बहुत बताया, जलजीला की कहानी वही एक काली कहानी है हमारे कानून व्यवस्था। मगर इतना मैं जरूर कहूंगी कि अक्सर ये समय गुजरात जनसभा को लेकर लड़े 172
हमें सजाए मौत मिली अरे उम्र गए और वो कहते थे तो हमने बहुत सारा डिस्कशन किया फाइनलिस्ट के साथ कि हमें क्यों सजाए मौत मिली क्योंकि हमने बिलीव करते बदलाव एक दूसरे के रिवेंज की बात की थी हम चाहते थे कहीं ना कहीं एक सबक सिखाया जाए ताकि दोबारा कभी नहीं हो और अब आगे बढ़ सके हमने सोचा कि वो पांच फाइनलिस्ट के सारे जो S6 साबरमती एक्सप्रेस में जल्दी तो ये बहुत ही परवाह कर रहा था आज भी हमारा सत्या जाति केस जिंदा सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला और हमारे खिलाफ 16-17 फर्जी केस हैं और बार बार जेल जाने की धमकियां संबित पात्रा टेलीविजन पे हमारे सामने बक तो ये बिल्कुल लोग के गुंडा के खिलाफ कि मैं सिर्फ आप ढूंढी गएंगे मगर आप अपने पोलिटिकल ऑपोजिशन को गंदा और गोली से चुप करने की कोशिश करें हरेन पंड्या की हत्या हरेन पंड्या की हत्या 2003 में हरेन पंड्या कौन थे उन्हीं के सरकार के मिनिस्टर थे एमओएस रेवेन्यू थे उनकी हत्या क्यों की गई आप गुजरात के कोई भी इंसान से पूछ हरेन पंड्या की हत्या क्यों अगर हरेन पंड्या की हत्या के पीछे की सच्चाई देश के सामने आती तो शायद बहुत सारी चीजें नहीं उनकी जो है एक आदर्श परिवार के रहने वाले और आप विठल भाई पंड्या का खत जरूर पढ़िए जो 2009 में कल प्रधानमंत्री के बाद के पिताजी का जो जगह जगह जाकर कहते थे कि हमारे बेटे को मारा हमारे बेटे को गलत बातों को मारा तो इस तरह का धमकाना और एक चीज मैं मन से जरूर करूंगी कश्मीर पूरी आज कोशिश है भारत हिंदुस्तान में कि हम कश्मीर की तरफ नफरत की नजर से मैं बस विनती करूंगी हमारे भारत बहन भाइयों से भारतीय भाई बहन भाइयों से कि 2016 के बाद कितने बच्चों और नौजवान की आंखें बांधे करिए क्योंकि आंखों पे पहले के गन हमारे सिखों के पहुंच गए जो भी हो कश्मीर में पीसफुली राजनीतिक स्तर से होना चाहिए इस तरह की बंजर भी करना नहीं चाहिए और इलेक्शन को देखते हुए भी वहां गलत राजनीति नहीं होनी चाहिए जो भी होना चाहिए सोचे समझाए रूप से फाइनली आज भी मैं कहूंगी 2014 में भी मैंने कहा था कि आर्टिकल 1 हमारे संविधान का कहता आई भारत इंडिया मैं भारत मेरा देश और ये भारत देश जो है आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 आर्टिकल 15 16 19 और 25 से का है और ये हमारे मूल अधिकार है वो दावे कहते हैं हर भारतवासी को कि आप भारत के रहने वाले हैं पूरे हकदार हैं और आपको कोई नहीं कह सकता कि आप भारतवासी मैं नम्रता से कहूंगी कि हिंदू राष्ट्र का सपना देखना और हिंदू राष्ट्र का एक निर्माण करना गैर संविधान